नागपुर में नए पुलिस आयुक्त के आगमन के बाद मर्डर जैसी गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते इन घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जोन 5 यशोधरा नगर पुलिस थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जहां पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल स्वयं मौजूद थे। शहर में पिछले 12 दिनों में ही हत्याओं की 9 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। शहर में बढ़ रही इन आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल को स्वयं सड़क पर उतरकर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की कमान संभालनी पड़ी। बीती रात पुलिस आयुक्त ने शहर के कई क्षेत्रों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर अपराधियों की धरपकड़ की। नागपुर शहर में इन दिनों मानव अपराधियों में पुलिस का खौफ जैसे खत्म ही हो गया है और यह बात आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं से स्पष्ट हो रही है। 1 फरवरी की रात नवनियुक्त सीपी डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने पुलिस आयुक्त के रूप में नागपुर में अपना कार्यभार संभाला। ठीक उसी दौरान वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत दोहरी हत्याकांड की घटना हुई। उसी दिन से शुरू हुआ इन वारदाताओं का दौर अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लूटपाट, जबरी चोरी जैसी घटनाओं के साथ ही हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में एकाएक वृद्धि होने के चलते पुलिस विभाग के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। इसका एक मुख्य कारण नागपुर शहर के अधिकांश थानों में नए पुलिस निरीक्षकों का आगमन भी है। अधिकांश थानों में नए पुलिस निरीक्षकों की नियुक्ति हुई है और उन्हें शहर के माहौल और अपराधियों के बारे में समझने में अभी समय लगेगा। ऐसे में शहर में कानून व न्याय व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए सीपी डॉक्टर रविंद्र सिंघल को स्वयं सड़क पर उतरना पड़ा। बीती रात करीब 11 बजे के बाद पुलिस आयुक्त ने अपने आला अधिकारियों के साथ शहर के यशोधरा नगर, कलमना, जरीपटका और कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत जो कि झोपड़ियों सहित कई संदिग्ध स्थानों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान कई अपराधियों के घरों में भी दबिश दी और उनकी धरपकड़ की गई। इस ऑपरेशन के दौरान देर रात तक खुले कई पान ठेलों को भी बंद करवाया गया। हालांकि पुलिस आयुक्त के इस कदम से अपराधियों में खलबली मचने के साथ ही अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। जी, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन रेगुलरली हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारा यही एक विषय इसमें कि वेपन्स जो स्पेशली जो चाकू कोई भी यूज़ कर रहा है कहीं पे भी होता है या फिर आर्म्स जो हैं वो कोई ऐसे यूज़ नहीं कर सकता या फिर वो अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इसका सोर्स क्या है उसको तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ये यहाँ पे अगर है तो कहाँ पे है, छुपा के रखा है, उस तक हम लोग पहुंच रहे हैं। जो यहाँ के जो क्रिमिनल्स थे, जैसे लगभग 317 क्रिमिनल्स को हमने अभी बुलाया था, उनको सारे पुलिस स्टेशन्स ने, क्राइम ब्रांच ने सबको देखा उनको कि कौन क्रिमिनल है और उसके क्या मोडस ऑपरेंडी है, वो किस तरह के क्राइम वो करता है, ये सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो कल का हमारा जो कॉम्बिंग ऑपरेशन था ये रेगुलरली चलने वाला है और जो रात को जो डार्क एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हम यहाँ पे सेफ हैं, दारू पीते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो उन सब जगहों पे भी हमारी प्लेन क्लोथ में पुलिस या फिर हमने पब्लिक को भी आह्वान किया कि आप हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, हम वहाँ पर भी जाके इसको चेक करने वाले हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेबरे की रिपोर्ट।